చాలా యాక్టివ్ ఉంది ఇద్దరు చైర్మన్ మా చైర్మన్ చాలా యాక్టివ్ పని చేశారు చాలా వగబొడ్ల ప్రాపర్టీకు సేవ్ చేశారు ఇండియాలో ఫస్ట్ పార్టీ బిఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంది ఫస్ట్ లీడర్ కేసీఆర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నారు వగబొట్టుకు ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి వగబొట్టు ఎట్లా సేవ్ చేయాలి అని చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు ఈ బీజేపీ గవర్నమెంట్ వక్ఫ్ యాంటీ బిల్ పాస్ చేసినాకి ట్రై చేశారు ఈ బిల్ కోసం టోటలీ మా పార్టీ 100% అపోజ్ చేస్తున్నారు ఇసిలియే మే తమాం మీడియాకి దోస్తోకు బతానా చాతా హూ వక్ఫ్ ఇదారా ఏక ఐసా ఇదారా హోతా హై జో లోగ్ ప్రాపర్టీ వక్ఫ్ కర్తే హై ఉస్కీ హిఫాజత్ కర్తా హై ఔర్ మన్షా వక్ఫ్ కహతా హై ఉస్ ప్రాపర్టీ సే జో ఫాయిదా పహుంచతా హై వక్ఫ్ కర్నే వాలా శఖ్స్ జో మన్షా కహతా హై వక్ఫ్ కర్తా హై ఉస్కో ఇంప్లిమెంట్ కర్నే వక్ఫ్ ఇదారా కామ్ కర్తా హై ఆజ్ బడీ అఫ్సోస్ కీ బాత్ హై बीजेपी गवर्नमेंट काफ़ी दिन से अमेंडमेंट बिल लाने की कोशिश कर रही थी और कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में बिल पेश भी किया गया मगर सारे अपोजिशन पार्टी उसके अगेंस्ट जाने की वजह से वो बिल जो है पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा गया है कि सबसे मशवरा करने के बाद उसे एडवाइस दिया जाए हिंदुस्तान में कई पार्टी हैं उसके साथ साथ ख़ास तौर से तेलंगाना में बीआरएस पार्टी के सरबरा कलवाकुंडा चंद्रशेखर राव साहब है जिन्होंने हमेशा मुसलमानों की भलाई के लिए मुसलमानों की तरक्की के लिए बहुत से अच्छे अच्छे इकदाम उठाए लोग बोलते हैं कांग्रेस वाले बहुत बोलते हैं अमल करने में अगर किसी शख्स ने अमल किया है तो वो केसीआर साहब है इसलिए जब से तेलंगाना बनने के बाद से माइनॉरिटीज़ के लिए एक सुनहरा दौर शुरू हुआ है क्योंकि इंसान को सबसे पहले तालीम की ज़रूरत होती है कांग्रेस और तेलुगुदेशम ने हमारे पास तकरीबन 68 साल से ज़्यादा हुकूमत की 48 साल कांग्रेस ने हुकूमत की और तकरीबन 17-18 साल से ज़्यादा तेलुगुदेशम ने हुकूमत की मगर टोटल रेजिडेंशियल स्कूल्स सिर्फ 10 रेजिडेंशियल स्कूल थे जिसमें 1000 बच्चे पढ़ते थे केसीआर साहब ने देखा कि मुसलमानों को गुरबत से उठाना है अगर मुसलमानों को तरक्की देना है उनकी ज़िंदगी में एक बदलाव लाना है तो सिर्फ तालीम से हो सकती है वो तालीम देने वाले को लीडर है केसीआर साहब उन्होंने जैसा ही तेलंगाना बना सबसे पहले उन्होंने 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले जिसमें 1,40,000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं जिसमें लड़कियाँ भी तालीम हासिल कर रहे हैं लड़के तालीम हासिल कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने ओवरसीज स्कॉलरशिप दी जिसके लिए हर बच्चे को 20 लाख रुपए दिए जाते हैं जिसके माँ बाप गरीब हैं उनके बच्चे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया लंदन में पढ़ना चाहते हैं या दुनिया के किसी मुल्क में जाके वो तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें फ्री ग्रांट दिया जाता है 20 लाख देने वाली पार्टी बीआरएस पार्टी है उसके सरबरा केसीआर साहब है उसी तरह केसीआर साहब ने उन रेजिडेंशियल स्कूल को अपग्रेड किया उन 206 स्कूल को इंटरमीडिएट अपग्रेड किया डिग्री का अपग्रेड किया ये करने वाले लीडर केसीआर साहब इन 206 स्कूल में 109 स्कूल में लड़कियां लड़के तालीम हासिल करते हैं 97 रेजिडेंशियल स्कूल में टेमरिज में लड़कियां तालीम हासिल करते हैं जिसकी जुमला तदाद 1,40,000 के करीब है और ये करने वाले लीडर केसीआर साहब हैं उसी तरह मस्जिदें वीरान थी हमारे दोनों चेयरमैन हजरात भी यहाँ मौजूद है मस्जिदों में वीरान का मतलब बल्कि मस्जिदें ऐसे थे जहाँ पर लोगों को इमाम और मौजन की सैलरी देना बड़ा मुश्किल होता था उसके लिए केसीआर साहब ने इमाम साहब को 5,000 और मौजन साहब को 5,000 रुपये हदिया का ऐलान किया और हमारे दोनों चेयरमैनों ने हमारे सलीम साहब और हमारे मसीहुल्लाह खान साहब बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हुए तमाम मस्जिदों का सर्वे कराया गया और जो मस्जिदों में इमाम मौजन होते हैं उन्हें 5,000 रुपये का हदिया मुकर्रर किया गया हर दो महीने 3 महीने में एक बार बजट पास होता था उन तमाम लोगों को वजीफा दिया जाता था केसीआर साहब ने उसी तरह अकलियतों के लिए क्योंकि हम लोग अजमेर शरीफ जाते हैं वहाँ पर भी एक रुबात के लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपये सेंक्शन किए और 1 एकड़ ज़मीन भी लेकर देने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों को अमन देने वाले कोई लीडर है 1947 से लेकर 2014 तक कंटिन्यू फिसादात होते रहे कभी भी फिसाद नहीं रुके अगर फिसादात रुके हैं तो 2014 के बाद तेलंगाना बनने के बाद एक भी दंगा फिसाद नहीं हुआ
अभी हुकूमत 8 महीने मुकम्मिल नहीं हुए, आप देखिए शहर की हालत कैसे हो चुके हैं, हर जगह मर्डर्स हो रहे हैं, लैंड ऑर्डर कैसा हो चुका है, मेदक के अंदर फिसादात हुए, संगारेड्डी में फिसादात हुए, लोग ये गवर्नमेंट आज तक एक होम मिनिस्टर नहीं दे सकी, और बड़ी अफसोस की बात है और बहुत शर्म की बात है, हुकूमत बन के 8 महीने हो चुके हैं उसके बाद भी एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं, एक मुस्लिम मिनिस्टर जो है अपॉइंट करने के लिए इतने महीने का वक्फा लगा है, मुझे बोलते हुए भी अफसोस हो रहा है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस हुकूमत है जिसके चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब है, जिनका ताल्लुक बीजेपी से बहुत गहरा रहा है, उन्होंने हमेशा इस ओहदे के लिए नज़रअंदाज करते रहे। पहले चाहते तो वो MLC देकर बना सकते थे, आज को MLC पेंडिंग होते रही और अदालतों की कशमकश के बाद अभी कुछ मौका मिला है, तो हमारा डिमांड है जब तक कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं उसके मुकाबले में देखा जाए। KCR साहब ने 2014 में जब हुकूमत बनी तो उन्होंने एक मुस्लिम मिनिस्टर को डिप्टी CM का अहदा दिया और रेवेन्यू मिनिस्ट्री दी गई। जब सेकेंड को फिर से हुकूमत बनाए तो एक मुस्लिम को होम मिनिस्टर का अहदा दिया गया, ये बड़ी फख्र की बात है। और आज होम मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब है और लैंड ऑर्डर बिल्कुल मफलूज हो चुका है, इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि लैंड ऑर्डर को अच्छा किया जाए। और हमारा आज का जो सबसे अहम मसला है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ये बिल की हम सख्त मजम्मत करते हैं। इस बिल के लिए हमारे जो 4 राज्यसभा मेंबर है और हमारे जो मुस्लिम लीडर्स है, हम सब जाकर जो ये कमेटी बनाई है गई है, ख़ास तौर से उस कमेटी में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है उसके अंदर हम लोग खुद जाकर नुमाइंदगी करेंगे, और ख़ास तौर से जो बिल को लाने के लिए मरकजी हुकूमत कोशिश कर रही है उसकी हम मजम्मत भी करते हैं, उनसे हम डिमांड भी करते हैं कि बिल वापस लिया जाए। वो बिल की मुखालिफत में हमारे राज्यसभा मेंबर, हमारी पार्टी के अहम कायदीन मुस्लिम कायदीन भी साथ जाकर इस बिल की मुखालिफत में जाकर हम जो है ख़ास तौर से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को लेटर देंगे, हमारे CM साहब की तरफ, KCR साहब की तरफ से, पार्टी सदर की तरफ से, और पार्टी के अहम कायदीन जाकर भी कोशिश करेंगे कि बिल रोका जाए। BRS पार्टी का शुरू से स्टैंड रहा, जब KCR साहब 2004 में कांग्रेस के साथ शरीक हुए तो उन्होंने सबसे पहले मनमोहन सिंह साहब को तवज्जो दिलाई थी कि सच्चार कमेटी बनाई जाए जिससे मुसलमानों के हालात के बारे में तफसीली रिपोर्ट जाए। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि मुसलमान दलितों से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं, मगर इसका इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हो सका। पहले कांग्रेस ने भी 10 साल हुकूमत की, फिर हम खुद 9.5 साल गए, और कभी भी हम डिमांड करते रहे कि सच्चार कमेटी का इम्प्लीमेंट होना चाहिए, मुसलमानों के साथ इंसाफ होना चाहिए। वक्फ प्रॉपर्टी एक मुसलमानों की प्रॉपर्टी है जिसकी हिफाजत करना है तो वक्फ बोर्ड ही कर सकता है। ये अमेंडमेंट बिल लाकर सारे पावर जो है कलेक्टर को दिए जा रहे हैं, इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं, क्योंकि हमारे दोनों चेयरमैन भी आपको बात करेंगे, बताएंगे कि किस तरह ये हो सक पॉसिबल है। कलेक्टर तो सारे ज़मीनों की हिफाजत करता है, मगर वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है वक्फ के लिए वक्फ बोर्ड को पूरे पावर होना चाहिए। और हमारी पार्टी का डिमांड है कि वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर मिलना चाहिए, क्योंकि जुडिशियल पावर मिलने के बाद ही वक्फ बोर्ड अपनी जायदादों को अच्छी तरह हिफाजत कर सकता है। ये कलेक्टर से इसकी हिफाजत करना एक नामुमकिन चीज़ है और भी लापर है। और सबसे अहम बात है कि इस अमेंडमेंट बिल में गैर मुस्लिम लोगों को भी वक्फ बोर्ड के मेम्बरशिप शामिल किया जा रहा है। पूछना चाहता हूँ कि हिंदू एंडोमेंट में वक्फ बोर्ड के मेंबर्स होते हैं या जो सरदारजियों के बोर्ड है जिनकी उनकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करते हैं उसमें कोई मुस्लिम मेंबर थोड़ा होते हैं, लिहाजा है कोई भी वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम मेंबर की भी हम सख्त मजम्मत करते हैं। हम यही चाहते हैं कि मुस्लिम इदारा है इसकी हिफाजत होना चाहिए, और हम हमारी स्टेट गवर्नमेंट से भी हम डिमांड करते हैं कि आप भी नुमाइंदगी में ज़रूर हमारे पास से भी हम लोग करेंगे, आप भी अपनी जगह लोगों को बुला रहे हैं, ज़रूर हम इस बिल के मुखालिफत में हम काम भी करेंगे, तहरीक भी चलाएंगे, और जिस कमेटी को जो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई है वहाँ जाकर हमारे MP हमारे MLAs या हमारे जो भी पार्टी के लीडर्स है और जो मुस्लिम तमाम इंपॉर्टेंट लीडर्स है वो दिल्ली जाकर मिलकर इसके अंदर नुमाइंदे करेंगे। KCR साहब भी इसके मामले में बहुत सीरियस है, वो चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड में कोई मदाखलत नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड एक इदारा सेपरेट इदारा है मुसलमानों का, वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो इंटेलेक्चुअल्स के लोगों को वहाँ पर बाज़ाब्ता मस्जिद कमेटियों से वक्फ कमेटियों से सेलेक्ट किया जाता है, वही मेंबर होते हैं, सब मिलकर वक्फ बोर्ड की हिफाजत करते हैं। और हमारी हुकूमत से ही डिमांड है कि इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से इसके हमारी डिमांड है कि इस वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल आ गया
उसे वापस लिया जाए और इस कमेटी से भी हमारा डिमांड है इस बिल को रिजेक्ट किया जाए और हमारी पार्टी इसकी सख्त मुखालिफत है। यही आज प्रेस में मीडिया के भाइयों के जरिए बताने के लिए मैं और हमारे लीडर्स यहाँ पर आए।